Morning class. This is our new pathology class in which today we will study about the next topic of fluid and hemodynamic changes, that is hyperemia and congestion. देखिए अपन ने अपनी first class के अंदर water और ions के changes वाला example पढ़ा था, that is edema, हमने अपनी next class में पढ़ा था. अब हम जो है सारे hemodynamic changes पढ़ेंगे, यानी blood के changes. तो मैंने आपको कहा था कि blood के अंदर changes, एक तो blood के flow में कोई change आ जाए, या फिर एक दूसरा चेंज है जो ब्लड के वॉल्यूम में चेंज आता है. वॉल्यूम में मैंने आपको नेक्स्ट क्लास, अपनी लास्ट क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था कि भाई दो तरह के उसके वॉल्यूम में चेंज आते हैं, या तो वॉल्यूम बढ़ जाता है या वॉल्यूम कम हो जाता है. हमारे को वॉल्यूम बढ़ने वाले चेंजेस पढ़ने हैं. वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम अगर किसी एरिया में बढ़ जाता है तो उसके हम दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और वो एग्जाम्पल हैं हाइपरेमिया एंड कंजेशन. ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के हम दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हाइपरेमिया एंड कंजेशन. देखिए अब आपको लग रहा होगा ये दो टर्म्स क्यों आ रही है, तो भाई ये दोनों ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो फिर दो अलग अलग टर्म्स हमने क्यों यूज़ करी, क्योंकि इनमें से एक एक्टिव प्रोसेस और एक पैसिव प्रोसेस है, एक आर्टरी से जुड़ा हुआ है और एक वेन से जुड़ा हुआ है. हाइपरीमिया इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, हाइपरीमिया एक एक्टिव प्रोसेस है जो आर्टरी से जुड़ा हुआ है, और कंजेशन एक पैसिव प्रोसेस है जो कि वेन से जुड़ा हुआ है. जब आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन या वेन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो ऑब्वियस है उस जिस जगह ऑब्स्ट्रक्शन आ गया उसे आगे ब्लड फ्लो हो नहीं पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा तो उसके पीछे वो ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को अपन हाइपरेमिया कंजेशन कहते हैं. ये चीज़ याद कर लीजिएगा आर्टरी और वेन, क्योंकि आगे के और तीन चार टॉपिक के अंदर ये सेम टर्म आएगी कि आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वेन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वेन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया. तो वहाँ पर मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगी, यहाँ क्लियर बता रही हूँ कि आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आता है तब भी एक कंडीशन एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलती है, और वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन तब भी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलती है, और वो हम अभी पढ़ेंगे. तो देखिए सबसे पहले हाइपरेमिया कंजेशन, दोनों के दोनों वेस्कुलर इवेंट्स हैं, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ. टिश्यू के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर देखिए ब्लड अमाउंट नॉर्मल दिखाया गया, हाइपरी में बढ़ गया, कंजेशन में भी बढ़ गया ब्लड का वॉल्यूम. दोनों इंडिकेट करते हैं लोकल इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन पार्टिकुलर टिश्यू, पार्टिकुलर टिश्यू में ब्लड वॉल्यूम जो है लोकली बढ़ जाता है वो हाइपरी में कंजेशन कहलाता है. इसमें वेस्क्यूलर वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाइपर दोनों ही कंडीशन वेस्क्यूलर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड वेसल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, या आप कह दीजिए वेस्क्यूलर वॉल्यूम बढ़ रहा है. पर हाइपरीमिया एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि आर्टेरियोलर डायलेशन की वजह से दिखाई देता है आर्टेरियल साइड पे, जबकि कंजेशन एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें आउटफ्लो वीनस साइड में इम्पेयर्ड हो जाता है, यानी वीनस ड्रेनेज में प्रॉब्लम आती है. ये सिस्टमिक भी हो सकता है और ये लोकल भी हो सकता है, सिस्टमिक एंड लोकल. अब देखिए ब्लड वॉल्यूम दोनों में बढ़ रहा है, ऑब्वियसली तो कॉमन चीज़ है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ गया दोनों में. पर हाइपरेमिया एक्टिव प्रोसेस, केमिकल्स का रोल होता है, कंजेशन पैसिव प्रोसेस है, इसके अंदर ब्लड एक ही स्थिति में बना रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, स्टैग्नेंट ब्लड के अंदर, रुके हुए ब्लड के अंदर देखने को मिलता है. वेस्कुलर कंपार्टमेंट हाइपरेमिया आर्टरियल साइड पे, ऑब्वियसली कंजेशन वीनस साइड पे दिखाई दे रहा है जो मैं आपको बार बार बता चुकी, और साइड हाइपरेमिया हमेशा लोकल होता है, जबकि कंजेशन लोकल और सिस्टमिक दोनों तरह का होता है. तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, भाई पूछा जाता है तो इस तरह से चार्ट बना के बनाना है आपको. अब ये डायग्राम, इनफ्लो बढ़ रहा है, हाइपरेमिया दिखाया गया, एरिडेमा बन जाता है, ऐसे कंडीशन कब हो जाता है, ऐसा इनफ्लो कब बढ़ता है, एक्सरसाइज के दौरान या इन्फ्लामेशन के दौरान, जबकि कंजेशन में साइनोसिस और हाइपोक्सिया की कंडीशन जुड़ी हुई है इसके साथ में, इसमें आउटफ्लो डिक्रीज हो जाता है. तो देखो दोनों ही कंडीशन में ब्लड का वॉल्यूम हमारी ब्लड वेसल में बढ़ रहा है, ये लोकल ऑब्स्ट्रक्शन से, कंजेसिव हार्ट फेलियर की वजह से, सब की वजह से देखने को मिलता है. तो हाइपरेमिया में ब्लड का अमाउंट बढ़ रहा है आर्टरी के अंदर, तो देखो जाता जा रहा है तो फिर ये देखो फूल गया पार्ट, जाता जा रहा है, पर वेन से तो भाई लिमिटेड अमाउंट में निकल रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ये हाइपरेमिया कहला रहा है. कंजेशन में जा तो अंदर ज़्यादा नहीं रहा, पर निकल भी उतना नहीं रहा जितना वहाँ पर मौजूद है, तो फिर
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया इसलिए देखो पूरा पार्ट नीला दिखाया गया, वहाँ पर रेड दिखाया गया क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो रहा है। इन दोनों का कारण भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है दोनों ही कंडीशन के अंदर, इसलिए हाइपरिमिया कंजेशन हमेशा जो है वो एडिमा से जुड़ा हुआ है, मतलब जब भी हाइपरिमिया कंजेशन होगा बॉडी में एडिमा भी होगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जब भी हाइपरिमिया कंजेशन होगा बॉडी में एडिमा भी होगा। ये कंजक्टाइवल हाइपरिमिया दिखाया गया है, आँख के अंदर देखो हाइपरिमिया हो गया तो कैसी लाल लाल हो गई आँख, क्यों हो जाता है आँख में, इन्फ्लामेशन की वजह से, कंजंक्टिवाइटिस यानी कंजंक्टाइवा का इन्फ्लामेशन हो जाए, हाइपर कैल्शियमिया कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाए ब्लड के अंदर, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ जाए, एटैक्सिया मस्कुलर मूवमेंट, टेलेंजेक्टेशिया जो है ये टॉर्शन आ जाता है वेसल्स के अंदर, तब ऐसा देखने मिलता है एटैक्सिया जैसी कंडीशन। ये स्ट्रज वेबर सिंड्रोम दिखाया गया जिसमें ब्लांचिंग हो गई है, देखो सर्कल दिखा सर्कल के अंदर ब्लांचिंग दिखाई गई है, यहाँ हाइपरिमिया का ये एग्जांपल है, तो देखो कलर अलग दिख रहा है ना आपको स्किन का। कंजेशन, इसमें ब्लड वेसल डिस्टेंडेड हो जाती है, डिस्टेंशन ऑफ ब्लड वेसल, ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है और ये रिवर्सिबल कंडीशन है, एक बार हुआ तो वापस ठीक भी हो जाएगा। ये यहाँ पर पूरी इसकी मैकेनिज्म बताई गई है, डक्टस आर्ट्रियोसस बताई गई है, सुपीरियर वेना कैवा एओर्टिक आर्क पल्मोनरी वेन, ये आपने एनाफिजियम पूरी पढ़ी हुई है, तो इसका असर सब से होता हुआ घूमता फिर तो सारी वेन से असर जो पड़ रहा है फुट के ऊपर दिखाया गया है, तो एडिमा दिखाया गया फुट के अंदर, तो ये पूरा चार्ट उससे इंडिकेट किया गया, आप इसको पढ़िएगा लाइन वाइज तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हार्ट के म्यूरल वॉल वगैरह दिखाए गए हैं। अब लेफ्ट साइडेड कार्डियक फेलियर से ये जुड़ी हुई है, कैसे हो जाता है भाई, सिस्टमिक हाइपरटेंशन जो सबसे बड़ा कॉज है इसका, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इसका दूसरा कॉज, आईएचडी मैंने आपको पढ़ा भी दिया, आईएचडी सिस्टमिक में आप पढ़ चुके हो, माइट्रल या एओर्टिक वॉल की डिजीज़ किसी को हो जाए या प्राइमरी मायोकार्डियल डिजीज़ किसी को हो जाए तो ऐसा देखने को मिलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आप देखोगे तो पल्मोनरी वेस्क्यूलर आउटफ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, पल्मोनरी कंजेशन और एडिमा तब देखने को मिलेगा, रीनल परफ्यूजन कम हो जाता है, सॉल्ट वाटर का रिटेंशन होने लग जाएगा, इस्केमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इससे जुड़ा हुआ है, वेस्ट एक्सक्रीशन होने लगता है यानी वेस्ट एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड हो जाता है, हो नहीं पाता जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, इसको अपन एजोटीमिया कहते हैं, एजोटीमिया की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो ये तो है पल्मोनरी वेस्क्यूलर आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। दूसरा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के परफ्यूज़न अगर कम हो जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर परफ्यूज़न नहीं हो पा रहा है किसकी वजह से, हाइपोक्सिक एनसेफेलोपैथी इसकी वजह से कॉज हो जाएगा। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परफ्यूज़न कम हो जाए तो हाइपोक्सिक एनसेफेलोपैथी हो जाती है जिससे पर्सन में इरिटेबिलिटी होगी और वो कोमा में पहुँच जाएगा। देखो पहला क्या है, लेफ्ट साइड कार्डियक फेलियर में क्या दिखाई देगा आपको, पल्मोनरी वेस्क्यूलर आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा जिससे कि पल्मोनरी कंजेशन एडिमा देखने को मिलता है, दूसरा रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगा और तीसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परफ्यूजन कम हो जाएगा। अब राइट साइडेड अगर कार्डियक फेलियर हो रहा है तो किस कारण से हो जाता है भाई, मोस्ट कॉमन कॉज है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जिससे कि पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरियल प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रेंसिक डिजीज़ लंग्स की हो जाए, पल्मोनरी वेस्क्यूलेचर की डिजीज़ हो जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो का, पल्मोनरी या ट्राइकस्पिड वॉल्व डिजीज़ में भी ऐसा देखने को मिलता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ किसी को हो राइट या लेफ्ट साइड का शंट हो जाए तब देखने को मिलता है, पेटेंट फोरामेन ओवल इसका एग्जाम्पल है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वगैरह इसके एग्जाम्पल है। दूसरे कॉजेज में एक्स्ट्रा कार्डियक सर्कुलेटरी फेलियर हो जाए जैसे हैमरेज में हो जाता है, वैसोवेगल सिंकोप में हो जाता है, या इम्पेयर्ड आर्टरियल फिलिंग हो जाए एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से, ऐसा कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। तो फिर क्या होगा राइट साइड कार्डियक फेलियर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कंजेशन और एडिमा देखने को मिलेगा पोर्टल और डिपेंडेंट पेरिफेरल साइट में जैसे फीट में एंकल में सैक्रल एरिया के अंदर,
प्लूरल में इफ्यूज़न हो जाएगा, पेरिटोनियम में इफ्यूज़न हो जाएगा जिसको आप एसाइट कहते हो, और प्लूरल इफ्यूज़न कहते हो इसको आप, हिपेटोमिगैली, सेंट्री लॉबुलर कंजेशन और सेंट्रल हिपेटोसाइट्स के एट्रॉफी में देखने को मिलता है, नटमैग लीवर हो जाता है इसमें, कंजेसिव स्प्लीनोमिगैली हो जाती है साइनोसॉइडल डायलेशन की वजह से, फोकल हैमरेज हो जाएगा हीमोसिड्रेसिस और फाइब्रोसिस के कारण, रीनल कंजेशन जिसे कि हाइपोक्सिक ट्यूबुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, रीनल कंजेशन इसकी वजह से कॉज हो जाता है और उसकी वजह से ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाता है। ये लीवर के साथ दिखाया गया है, कॉर्ड और साइनोसॉइड्स बताए गए हैं, बाइल डक्ट के साथ मेरा लिंक दिखाया गया, इसको आप आराम से खुद से पढ़ोगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी, सेंट्रल वेन पोर्टल वेन सब दिखाया गया है, नॉर्मल लीवर दिखाया गया है, सेंट्रल वेन के द्वारा कैसे जा रहा है, कुफर सेल्स दिखाई गई हैं, हेपेटोसाइट्स दिखाई गई हैं। अब सीवीसी लीवर ग्रॉसली देखोगे तो क्रॉनिक पैसिव कंजेशन लीवर का जब हो जाता है, इसको नटमैग लीवर कहते हैं, इसमें हेपेटिक लॉब्यूल के सेंट्रल रीजन को अगर आप ग्रॉसली दिखाओगे तो रेड ब्राउन कलर की वो दिखाई देगी, थोड़ी सी डिप्रेस दिखाई देगी, सेल उस जगह पर थोड़ी ख़त्म हो जाती हैं, एसेंटुएटेड हो जाती हैं सराउंडिंग जोन के प्रति, लीवर अनकंजेस्टेड हो जाता है, टैन हो जाता है गहरे रंग का, ये लीवर स्टेरी स्काई